इन्वेस्ट करते हैं। एंड सम पीपल से दैट जॉब्स नहीं है तो पढ़ाई करके क्या होगा, जॉब्स नहीं है तो इंग्लिश सीख कर क्या होगा। लेट मी क्लियर, लेट मी टेल यू, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी विचारधारा में मात्र इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से सफलता नहीं मिलती। अगर मात्र इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से सफलता मिलती तो ऐसे कई कंट्रीज हैं, आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखिए, एक बैगर भी इंग्लिश में बात करता है, टैक्सी ड्राइवर हमारी कंट्री में भी इंग्लिश में बात करता है, वहां पर तो स्वीपर भी इंग्लिश में बातें करते हैं, देन व्हाई दे आर डूइंग सच अ वर्क, देयर इज अ क्वेश्चन। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से तो सक्सेस नहीं मिलती। आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू ऑन लर्निंग दीज थिंग्स, बट यस, एक कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर लेने के बाद हमें सफलता मिलती है, क्योंकि हम और आप बातचीत करने की कला सीख लेते हैं, बात करने का कौशल सीख लेते हैं, किस जगह पर मुझे क्या बोलना चाहिए, एंड दिस इज थिंग व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, वेयर टू से, वेयर नॉट टू से, हम कहाँ बोलें, कहाँ ना बोलें, क्या ना बोलें, किसके साथ बोलें, किसके साथ ना बोलें, और कैसे बोलें, कैसे ना बोलें। जहां पर हम दिल से नहीं बोलते, हम दिमाग से बोलते हैं। इट मीन्स वी हैव टू कंट्रोल आर इमोशंस वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। हम जब लोगों से बात करते हैं, हम कई बार इतनी इमोशनल होकर बात करते हैं, इतनी गुस्से में आ जाते हैं कि हमारे रिलेशन बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हम किसी से इतनी हर्ट हुए होते हैं कि किसी बात को इतने बिटर अंदाज में, इतनी रूडली किसी से बोल देते हैं कि हमारे रिलेशंस वहां भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, समय चला जाता है लेकिन रिलेशंस में खटास आ जाती है। अगर हम वार्तालाप करने का कौशल सीख लें तो हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिकॉज वी नो हाउ टू डिलीवर द गुड्स। अब हमें आने लगा हमें बातचीत कैसे करनी है, हमें समझ में आने लगा कि अब यहां मामला बिगड़ सकता है, तो हाउ टू चेंज द टॉपिक। हम जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से वार्तालाप करने का कौशल सीख जाते हैं, और यह बगैर व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग के नहीं आता। तो जब आप हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो इसके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल अटैच्ड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट मीन्स व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति के तत्व, व्यक्ति सोचता कैसे है, व्यक्ति बिहेव कैसे करता है, व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको उनके पास में पर्सनैलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब पर्सनैलिटी इज नॉट ऑल अबाउट दैट हाउ टॉल यू आर, हाउ फेयर यू आर, हाउ हैंडसम और हाउ ब्यूटीफुल यू आर। पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, हाउ यू थिंक, हाउ यू रिएक्ट टूवर्ड सिचुएशन, हाउ काम यू आर, हाउ स्मार्टली यू गेट योर वर्क डन फ्रॉम द पीपल विदाउट हर्टिंग दैम, हाउ यू कन्वे योर मैसेज टू दैम। एंड यस, इंग्लिश लैंग्वेज मैं अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, थ्रू दिस वी कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा देखिए सोशल मीडिया में हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हमारे इंडिया के फ्रेंड्स भी हैं और आउट ऑफ इंडिया के कई लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं। किस वजह से? सोशल मीडिया पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यही इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेशन को करना सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में डिफरेंस, कम्युनिकेशन स्किल में डिफरेंस है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। इंग्लिश मात्रिक भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी भाषा को मैं बातचीत करने का कौशल है,
हिंदी में भी हो सकता है, तमिल में भी हो सकता है, तेलुगु में भी हो सकता है, मराठी में भी हो सकता है, मारवाड़ी में भी हो सकता है, किसी भी भाषा में वार्तालाप करने का कौशल होता है। एंड हम किस लैंग्वेज में सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वार्तालाप करने का कौशल, वार्तालाप करने की कला, कि मैं बगैर किसी को हर्ट किए हुए अपनी बातों को कैसे रख सकूं, अपने आप को कैसे समझा सकूं, उसकी बातों को कैसे समझ सकूं, मैं सारे कामों को कैसे कर सकूं। तो आप इनसे संबंधित या इन चीजों के ऊपर कभी खर्चा नहीं करते क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो, हमें तो ये खर्चा ही लगता है क्योंकि इसका रिटर्न हमें तुरंत नहीं मिलता। स्मोकिंग करके तुरंत शायद हमको कुछ अच्छा फील हो जाता होगा, बढ़िया वो वाली जीन्स पहन के, वैसे कपड़े पहन के तुरंत शायद आप कुछ स्पेशल महसूस होता होगा, मूवी देख के हॉल में जाके तुरंत शायद आपको कुछ इमीडिएटली कुछ स्पेशल फील होता होगा। बट एडुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन चीजों पर जो आप इन्वेस्ट करते हो, इससे रिटर्न तुरंत तो नहीं मिलता, बट यस यू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन रिटर्न। आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। आप देखिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अगर उनको लगता है कि मैं पैसा कमाने में बहुत बढ़िया हूं, मुझे कहीं इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, मैं अपने मैसेज को लोगों तक कन्वे नहीं कर पाता, तो दे लर्न इट। अगर उनको लगता है कि उनकी अकाउंट में वो वीक हैं और उनको कहीं लगता है कि यस आई शुड लर्न दिस बिकॉज समटाइम्स आई डू नीड दीज ऑल थिंग्स, तो हो सकता है उसको इम्प्रूव करें। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर एडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू देयर पर्सनैलिटी। वाई? बिकॉज दे हैव लर्न दिस थिंग दैट लर्निंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड। यस, लर्निंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुना होगा आपने, वर्बल कम्युनिकेशन सुना होगा आपने, आप दोनों तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन में देखो, आप लोगों के पास जा नहीं रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, आप अपनी बढ़िया सी कार्स में नहीं घूम पा रहे हैं, आप मूवीज नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग विद सोसाइटी। जब जब आप जागे हुए होते हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग। तो सर, सबसे ज्यादा काम हमें कम्युनिकेशन का हो रहा है, तो क्या हमको इसको इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? क्या हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जो आपको आने वाले टाइम में लॉट्स ऑफ रिटर्न देने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के फायदे, अगर एक स्टूडेंट अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तो वो स्मार्ट बनने लगता है अपनी पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंट होने लगता है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने के काबिल भी समझने लगता है, उसकी स्टडी में काफ़ी हेल्प होना शुरू हो जाती है। और अगर वो हायर स्टडीज करके लिए जाता है या उसकी बुक्स इंग्लिश में हैं, तो उसको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि जब उसके फंक्शंस होते हैं तो उसको स्टेज फियर वहां रिमूव हो जाता है, बिकॉज नाउ ही नोज हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। हाउसवाइफ्स को समटाइम्स, इवन मैक्सिमम टाइम्स, दे फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजती हैं, महंगे स्कूल्स में भेजती हैं, और वहां पर जब सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चों को वो माहौल घर पर नहीं मिल पाता, इसलिए दे फेस प्रॉब्लम। इवन पीटीएम में जब हस्बैंड वाइफ जाते हैं और टीचर्स उनसे इंग्लिश में बात करते हैं या बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताते हैं, तो उनको समझ नहीं आता एंड दे फेस प्रॉब्लम। तो हाउसवाइफ्स के लिए भी अच्छा है, यंगस्टर्स जो पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, इमीडिएटली कम्युनिकेशन स्किल्स को कन्वर्ट करने से आपका फायदा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस सभी का बढ़ता है, पर्सनैलिटी सभी की डेवलप होती है, लेकिन हमें वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप अच्छी जॉब में पहुंच सकते हैं, आप अच्छा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आप अच्छे लोगों के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये जो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एक क्लास के लोग यूज करते हैं, उस क्लास में आपके पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं।
बिकॉज यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। और तो और अभी से ये फायदा और आने वाले टाइम में फायदा, आपको जो माहौल अपने घर पे नहीं मिला इंग्लिश लैंग्वेज का बिकॉज आपके फादर और मदर को उतना नहीं आता था तो वो एटमोसफियर डेवलप नहीं कर पाए, बट आप इस उम्र में सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली में वो एटमोसफियर बिल्ड कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी आपको उसी के बेस पर मिल सकता है। तो अभी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जॉब में बेनिफिट हो सकता है, आप अच्छे ग्रुप में पहुंच सकते हैं, आप जब मैरिज के बारे में सोचेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर उस लेवल पे हो सकता है जहां पर उसका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होगा, फिर जब आप फैमिली के बारे में प्लान करेंगे तो फैमिली में उस एटमोसफेयर को आप ला सकते हैं, आप वो माहौल अपने बच्चों को दे सकते हैं जो माहौल आपको नहीं मिला था, इंग्लिश लैंग्वेज की कमी जो आपको खलती थी वो कमी खलना बंद हो जाएगी। तो देखिए कितना फायदा है। तो किसी भी कैटेगरी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हम कम्युनिकेशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए कन्विंस्ड नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट कन्विंस्ड, बस यहाँ प्रॉब्लम है। उन चीज़ों पे स्पेंड करने के लिए वी आर कन्विंस्ड, बट यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वी आर नॉट कन्विंस्ड, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम है डिसीजन को लेने में। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो अगेन, थिंक ओवर इट। डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप जींस मत खरीदिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप अपने शौक की चीज़ों को मत करिए, लेकिन मैंने बस ये कहा है कि स्पेंड और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझिए। और यहाँ पर जहाँ पर आपके को झिझक फील हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा ना हो दैट यू पे द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू डोंट नो। आप ये जानते ही नहीं हैं कि आप क्या नहीं जानते जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। प्लीज नो वॉट यू डोंट नो सो दैट एट लीस्ट यू स्टार्ट लर्निंग इट, एंड कमिंग फ्यूचर यू डोंट हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू शेयर दिस फूड फॉर थॉट with people, with your near and dear one. आप अपने जो lovable जो लोग हैं, please उनसे इस वीडियो को जरूर share करिए. Thank you so much.